हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद घर सा। आज मैं बनाऊंगी देसी चटनी टमाटर से बनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दिया और स्टैंड हमने रख दिया है और इस पर हम रखेंगे 2 टमाटर और इसे हम गैस को मीडियम फ्लेम करके सेकेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो इस तरीके से तो आप चाकू या फॉक की सहायता से टमाटर को भून सकते हैं मीडियम गैस करके, और इसे हम उलट पलट करके अच्छे तरीके से पका लेंगे, सेक लेंगे। और ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। देसी टमाटर की चटनी बनाने के लिए आप हमेशा पके हुए लाल टमाटर लें। और अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं बाउल में, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। एक बार आप इस चटनी को ज़रूर बना के खाएं। और ये देखिए हम सारे स्किन निकाल लेते हैं टमाटर की जो पक चुके हैं, और हमने सबको निकाल दिया है। और इसका साइड का आप कट करके निकाल लें, और इस तरीके से जब गर्म हो तो आप इस तरीके से कटिंग करें टमाटर को। उसके बाद आप हाथ से अच्छे से मैश करें। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई, ठीक है अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक कट की हुई ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। धनिया के पत्ते बारीक कट किए हुए 1 से 2 चम्मच। काला नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करें, काला नमक या सेंधा नमक। 1 टेबल स्पून राई का तेल ऐड करेंगे, और इन सभी को हम हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें, बस हमारी देसी चटनी बनके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।